आज हम देखेंगे वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन में क्या होता है, एक्चुअली मेनली वीआरएम सेक्शन यूज होता है प्रोसेसर का कोर वोल्टेज देने के लिए। प्रोसेसर का कोर वोल्टेज मतलब उसको हम बोलते हैं वी कोर वोल्टेज, और ये वी कोर वोल्टेज जो होता है यही होता है प्रोसेसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज। वो कैसे जेनरेट होता है, उसको जेनरेट होने के लिए क्या क्या चाहिए, वो ही चीज़ आज हम यहाँ देखेंगे। उसको जेनरेट करने के लिए एक्चुअली मॉस्फेट यूज होता है। अब वो एक्चुअली एक मॉस्फेट नहीं यूज होता है, दो मॉस्फेट यूज होता है। दो मतलब यहाँ पर मैं क्वांटिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक को हम बोलते हैं टीजी, एक को हम बोलते हैं बीजी। टीजी का मतलब होता है टॉप गेट, बीजी का मतलब होता है बॉटम गेट। एक्चुअली टॉप गेट जो है वो ही मेनली वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और बॉटम गेट जो होता है वो मेनली एम्पलीफाई के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो हम देखेंगे ये वाला जो है ये एक्चुअली टीजी मॉस्फेट है, और ये दो जो है ये होता है बीजी मॉस्फेट। और हम जो जानते हैं कि टीजी मॉस्फेट को या फिर बीजी मॉस्फेट, कोई भी मॉस्फेट को ऑपरेट होने के लिए चाहिए गेट पल्स, वो गेट पल्स देने के लिए ये वाला आईसी यूज होता है। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो हर टीजी बीजी के लिए एक एक आईसी दे दिया गया है, इसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूएम आईसी, जिसको जिसका फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉडुलेशन, मतलब ये पल्स जनरेट करता है। ये जो टीजी है ये टीजी का ड्रेन में क्या हो रहा है, टीजी का ड्रेन में 12 वोल्टेज इनपुट हो रहा है और सोर्स यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। और देखा जाए तो ये जो गेट है ये गेट एक्चुअली कनेक्टेड है ये वाला आईसी से, और ये सोर्स होते हुए एक वही लाइन चला आ रहा है उसी आईसी में, और एक जा रहा है कॉयल में, ये कॉयल का सिंबल है, कॉयल में जा रहा है, और वही सोर्स दो बीजी का ड्रेन से कनेक्टेड है, और बीजी का सोर्स होता है ग्राउंड। एक्चुअली क्या होता है, टीजी में जब हाई लो करके गेट पल्स आता है, मतलब कि टीजी में जब हाई गेट पल्स आता है तो एट द सेम टाइम बीजी में आता है लो गेट पल्स। हाई से क्या होता है, टीजी ऑन हो जाता है, तब जा करके वो 12 वोल्ट को क्या करता है, रेगुलेट करके प्रोसेसर का कोर वोल्टेज जनरेट करता है। लेकिन तब क्या होता है, ये जो बीजी होता है ये बीजी ऑफ रहता है, और फिर क्या होता है, टीजी में लो आ जाता है, मतलब कि लो पल्स आ जाता है, तब बीजी में आ जाता है हाई पल्स। तब क्या होता है, ये जो बीजी होता है वो सोर्स टू ड्रेन क्या करता है, वो ग्राउंड को फ्लो करा देता है। तो ग्राउंड और पॉजिटिव वोल्टेज एक जगह हो जाने से क्या होता है, एम्पियर हाई हो जाता है। तो वही है इनका काम, ये कर रहा है वोल्टेज रेगुलेट, मतलब कि वोल्टेज जेनरेट, और ये कर रहा है करंट को एम्पलीफायर, और ये आईसी वो गेट पल्स देने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे 12 वोल्टेज इनपुट हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी 12 वोल्टेज ही इनपुट होगा। ये एक्चुअली डायरेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ डायोड या फिर कुछ रेजिस्टेंस थ्रू करके होगा। और फिर क्या होता है, देखा जाए तो सभी आईसी में एक ही है। यहाँ पर देखिए ये जो आईसी का नंबर होता है हर जगह एक ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी एक होगा। यहाँ पर ये टीजी है, ये दो बीजी है जिसका गेट या आईसी से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही, मतलब